तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा नौवीं का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देख कर जरूर जाइएगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक के सभी प्रश्न और उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा तैयार कर लेना चाहिए। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, टोटली आपका क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इसी प्रकार का आने वाला है जैसा कि आज हम यहां से देखेंगे। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा तैयार कर लेना होगा। देख सकते हो कक्षा 9वीं परीक्षा वर्ष 2022-23 का पूरा क्वेश्चन पेपर है जो कि अंग्रेजी विषय का है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को, किस प्रकार का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे तैयार कर लेना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपके पास में जैसे पेपर आता है तो इस जगह पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं और कक्षा 9वीं की परीक्षा का पूरा ये अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, टोटली आपका A to Z क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा इसी प्रकार का आने वाला है जैसा कि आज हम यहां से देखेंगे। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। देख लीजिएगा कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023 का अंग्रेजी का पूरा क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि आपको यहां पर निर्देश देखने को मिल जाएंगे और देखिएगा इसी के अलावा यहां पर आपका टोटल ये 75 नंबर का पेपर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा तैयार कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। आप सभी लोग यहाँ से इसका देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपसे एक पैसेज पूछा जाएगा। आप सभी लोग यहाँ से इस पैसेज को अच्छे से देख लीजिएगा। ये पैसेज आपसे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जाएगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस पैसेज में जो क्वेश्चन दिया गया आपका, ये पैसेज नंबर 12, इसके उत्तर भी हम अभी देख लेते हैं कि किस प्रकार से आप सभी को इसके उत्तरों को तैयार कर लेना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है वेयर आर द हिमालय इन इंडिया, यानी कि हिमालय में इंडिया किस तरफ है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी नंबर का, किस तरफ है, ये नॉर्थ की तरफ होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, तो देखिएगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका आ जाएगा माउंट एवरेस्ट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, विच रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम द हिमालय, कौन सी रिवर जो है हिमालय से नहीं बहती है, तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी नहीं बहती है। तो इसका उत्तर आपका सी नंबर का सही आ जाएगा। इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑपोजिट ऑफ द अगली, तो देखिएगा अगली का मतलब होता है बद्दा, तो देखिएगा इसका जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा आपका ब्यूटीफुल। इसके बाद में हाईएस्ट पीक इन माउंटेन एवरेस्ट, तो देखिएगा हाईएस्ट पीक कौन सी होगी माउंटेन एवरेस्ट की, तो देखिएगा ये जो होगा आपका प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका ट्रू हो जाएगा, इसको आपको ट्रू कर लेना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन पहला पूरा का पूरा देख लिया है, अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन को देखने वाले हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपको ये दिया गया है, आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लेंगे। इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में भी प्यारे विद्यार्थियों एक पैसेज आपको दिया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, आपका पैसेज नंबर 2 का सोल्यूशन में आपको आंसर शीट के ऊपर ही देने वाला हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे नोट मेकिंग समरी पूछी जाएगी। तो नोट मेकिंग समरी के लिए प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक एंड स्क्रीन उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहाँ आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कि लिखा गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस अबाउट द नॉइसेंस ऑफ द कॉज ऑफ द लाउड स्पीकर, तो देखिएगा लाउड स्पीकर की एक एप्लीकेशन लिखनी है आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में इस प्रकार से आपसे ये ऐसे पूछे जाएंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को इसी वीडियो में इसका फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है। पहले पर मैं आपको पेपर दिखा देता हूं, इसके बाद में हम पूरा इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में इस प्रकार का एक पैराग्राफ आपको बनाना होगा एक इस पिक्चर को देखकर, और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा ये रहा आपका सेक्शन सी, आप लोग यहां से इसको देख लें। सेक्शन सी का सॉल्यूशन आप सभी को किस प्रकार से कंप्लीट करना होगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। आई राइट इन, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें आपको इन लिख लेना है। और इसके बाद में लिखा है माय ब्रदर इज, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको एन लिख लेना है। और इसके बाद में डॉग सेल्डम बाइट, तो देखिएगा इस जगह पे आपके बार्किंग आ जाएगा। और इट इज अबाउट, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है
इसमें आपको लिख लेना टूरेन, इस जगह पर आपको टूरेन लिखना होगा और यू एग्री टू इट। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन नंबर पांचवा दिया गया है इसका उत्तर क्या आएगा, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पांच नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को लिख लेना माई, यू माई एग्री टू इट। इसके बाद में वी सेल प्ले द बेल रिंग्स, तो देखिएगा छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इस जगह पर आपको लिख लेना है अनटिल, इसका उत्तर आपका क्या आएगा, यहाँ से आप लोग लिख लें अनटिल इसका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी हर होमवर्क डेली, तो देखिएगा सातवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, तो सातवें के क्वेश्चन का उत्तर आपका डज आपको लिख लेना है। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए ये डू एज डायरेक्टेड, इन सभी के उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको आंसर शीट के ऊपर देने वाला हूँ। और इसके बाद में यहाँ से आप लोग देख लेंगे सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 9 आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें और समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है, देखिएगा यहाँ पर लिखा है वेयर डज द पोएट फाइंड हिमसेल्फ, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी पहले नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका डी नंबर का आ जाएगा, ऑन ए होमलॉक ऑन ए फोर्क। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट वाज लाइफ ऑफ 4/11, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा जो लिखा है इसका उत्तर आप लोगों को बी लिख लेना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर आपका सी नंबर का आएगा, टॉप ऑफ एमटी एवरेस्ट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या लिखा गया है, तो 4 का उत्तर आपका आ जाएगा ये वाला, आप लोग यहां से लिख लें। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का ए वाला भाग दिया गया है, यहां से आप लोग देख लेंगे इसको, तो 10 वाले क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको आंसर शीट के ऊपर बताने वाला हूं, तो आप लोग यहां से देख लें, ये 10 का बी वाला भाग दिया गया है। और इसके बाद में यहाँ से शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 11 की, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। और इसके बाद में देखिएगा इस प्रकार से ये 12 नंबर के क्वेश्चन, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों मैं आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर आंसर शीट के ऊपर देने वाला हूँ, तो आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों को अच्छे से देख लेंगे। टोटली आपके पेपर में 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन अब मैंने आपको बता दिए आपके पेपर के, अब हम इसके पूरे सोल्यूशन को आंसर शीट के ऊपर देखते हैं। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसकी पूरी आंसर शीट को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये रही पूरी की पूरी आपकी आंसर शीट, आप लोग यहाँ से इसको देख लें, ये फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन का उत्तर पूरा का पूरा दिया गया है, और ये रहा आपका सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन था उसका उत्तर पूरा का पूरा आप लोग देख लें यहाँ से। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर लिखा है, आप लोग यहाँ से देख लें, जिसमें कि आपको नोट मेकिंग समरी बनानी थी। नोट मेकिंग समरी प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको नहीं बनानी आती है तो इस वीडियो के अंत में आपको एक एंड स्क्रीन नज़र आ रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप लोग नोट मेकिंग समरी को बहुत अच्छे से बनाना सीख सकते हो। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर यह क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, जिसमें कि लिखा है राइट एन एसे ऑन ओनी वन और टू द फॉलोइंग टॉपिक्स, तो देखिएगा इनमें से एक किसी टॉपिक के ऊपर आपको एक एसे लिखकर बताना है, तो यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लें और एसे को लिखना सीख लेंगे आप सभी लोग। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में इस प्रकार से ये पूछा जाएगा लेटर, इस जगह से आप लोग देख सकते हो ये लाउड स्पीकर का पूरा लेटर है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा इसके अथवा में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा नोट करके और इसको लिखना सीख लेंगे आप सभी लोग। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा आगे ये क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया है, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर ये दिया गया है, आप लोग यहाँ से इसको देख लें। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, आप लोग यहाँ से इसको भी देख लें। और इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर दिया गया है, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा नोट कर लें और इसके उत्तर को भी नोट कर लेंगे। उसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 11 के दूसरे का उत्तर दिया गया है, ये 11 नंबर के तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर लिखा है, और उसके बाद में ये चौथे नंबर का और ये पाँचवें नंबर का उत्तर लिखा गया है। उसी के नीचे प्यारे विद्यार्थियों आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 का पूरा उत्तर लिखा है, आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लेंगे और पूरा समझ लेंगे। और उसी के नीचे प्यारे विद्यार्थियों 12 के बाद में दूसरे का उत्तर लिखा है, और उसके बाद में देख सकते हो ये अगला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है, और ये क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर लिखा है, यहाँ से भी आप लोग देख लेंगे। और इसी जगह पर ये आपको क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर दिया गया है, आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से नोट कर लें और इसको समझ लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।